शिवपुरी जिले में करोड़ों रुपए की ठगी कर भागे सैनिटरी पैड कंपनी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी जिले में पिछले 8 महीने से आर्टिस्ट CSVA9 कंपनी संचालित थी। बता दें कि इस कंपनी में शिवपुरी जिले की लगभग 2000 महिलाएं जुड़ी थी, जिसका लगभग 15 करोड़ रुपये कंपनी में लगा हुआ था। जिसके बाद एक महिला ने इस कंपनी की शिकायत सिटी कोतवाली में की, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है और इसकी जाँच करना शुरू किया तो कंपनी का मुख्य आरोपी महिलाओं लगभग 15 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था। जिसके बाद से पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश लगातार कर रही थी, लेकिन आज पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जैसा कि शिवपुरी शहर में सैनिटरी पैड का मामला जोरों शोरों से चल रहा है, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में आपको सबको बता दूं कि जो पहले शुरुआती में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस ने तत्परता दिखा के मात्र एक फरियादी के आवेदन पर भी ही तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया था। बाकी जो 80 आवेदन बाद में आए उसमें सबमिट किया गया उसको उसी FIR में, और जो आरोपी थे 4 को फिर हमने दिल्ली से पकड़ के लाया आरोपी को। आज फिर हमने 2 आरोपी जो उसके बचे थे चंद्रशेखर वर्मा और अन्य आरोपी है उसको फिर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।